महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात कुछ यूं थे, जहां विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही थी शिंदे गुट और फडणवीस पर कि आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा। तो फाइनली कैबिनेट विस्तार हो चुका है। कुल 18 विधायकों के साथ बड़ा ऐलान किया गया कि शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी के 9 विधायक मुंबई के राजभवन में एक भव्य समारोह के रूप में मंत्री के रूप में शपथ ली, जहां पर मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के 40 दिनों के बाद मंत्री मंडल का विस्तार हुआ। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद शिंदे सरकार की पहली बैठक बुधवार यानी कि आज के दिन मुंबई में। जी हां, यह बहुत बड़ी अपडेट है कि मंत्रिमंडल की यह बैठक है। समझने वाली बात यह है कि अभी तक जब भी कोई चर्चा होती थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जनता के बीच कोई राय रखनी होती थी, तो फडणवीस और शिंदे ही नजर आते थे। लेकिन अब मंत्री के तौर पर यहां 9 मंत्रियों का बंटवारा कर दिया है, तो सभी को यहां पर जिम्मेदारी दी गई। 30 जून को शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने वाले भाजपा विधायक थे चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधाकृष्ण विखे पाटिल, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात, विजय कुमार गावित और अतुल सावे। शिवसेना के नेता में शामिल थे दादा भूसे, शंभुराज देसाई, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, गुलाब राव पाटिल और संजय राठौड़। 28 जून को देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनसे फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था। अगले दिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अर्ध न्यायिक मामलों को छोड़कर सचिवों को कोई मंत्री स्तर की शक्ति नहीं दी गई है। राज्य में विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर 2 सदस्यीय कैबिनेट के रूप में कार्य करने और नौकरशाहों का निर्णय लेने की शक्तियों को डिजाइन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों में शिवसेना के नेता शामिल हैं, जो अब टीम शिंदे में शामिल हो गई हैं। लेकिन देखते हैं कि इस पहली बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या ये फैसला विपक्षी पार्टियों के खिलाफ होगा या महाराष्ट्र की जनता के फायदे के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।